काजोल और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड इंडस्ट्री की अच्छी दोस्त हैं। दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि जो एक को पसंद नहीं वो दूसरे को भी पसंद नहीं आता। ये सिर्फ चीजों के मामले में ही नहीं बल्कि किसी शख्स को पसंद नापसंद करने के मामले में भी है। इसका एक उदाहरण है वो एक एक्टर जिससे ये दोनों ही बेहद नफरत करती हैं, पर उनसे नफरत ये एक दूसरे को देखकर नहीं बल्कि अपने अपने अलग रीजंस की वजह से करती हैं। तो क्या है वो अलग अलग रीजन और कौन से वो एक्टर जिनसे ये नफरत करती हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे उस एक्टर से रूबरू कराकर। पर उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। काजोल और ट्विंकल खन्ना जिस एक एक्टर से नफरत करती हैं वो कोई और नहीं बल्कि 2.5 किलो का हाथ रखने वाले अभिनेता सनी देओल हैं। पर उनसे क्यों ये दोनों एक्ट्रेस नफरत करती हैं, ये जानते हैं एक एक करके। पहले बात करते हैं काजोल की, जो सनी देओल से नफरत इसलिए करती हैं क्योंकि एक बार सनी ने इनके पति से लड़ाई की थी। आपको याद होगा कि जब अजय देवगन फिल्म लेजेंड ऑफ भगत सिंह बना रहे थे तो सनी चाहते थे उनके भाई बॉबी देओल को उसमें कोई अच्छा रोल मिले, लेकिन अजय देवगन ऐसा नहीं कर पाए कुछ रीजंस की वजह से, जिसके बाद सनी और अजय के बीच अनबन हो गई। और इसी के बाद से सनी ने अजय देवगन को टक्कर देने के लिए बॉबी के साथ ही भगत सिंह पर एक फिल्म बनाई और उसकी रिलीज डेट अजय की फिल्म के दिन ही रखी थी, जिससे दोनों के बीच और कलेश हो गया। बस काजल को सनी की यही बात पसंद नहीं आई और उनका ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर ही वजह बना था काजल का सनी देओल से नफरत करने का। वहीं अब बात करें ट्विंकल खन्ना की, जो नफरत सनी देओल से इसलिए करती हैं क्योंकि एक बार जब फिल्म के लिए सनी देओल के अपोजिट हीरोइन चूज करनी थी, जिसमें डायरेक्टर ने दो एक्ट्रेस के नाम दिए थे जिनमें एक नाम ट्विंकल खन्ना का भी शामिल था, पर सनी ने ट्विंकल को ना चुनकर दूसरी एक्ट्रेस को चुन लिया और कहा था कि ये ट्विंकल खन्ना जैसी फ्लॉप एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। उनके साथ काम करने की वजह से कहीं वो भी फ्लॉप हो गए। और ये बात जब इन्हें पता चली तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हें उन पर गुस्सा आया और वही गुस्सा नफरत में बदल गया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन दोनों की इन वजहों से सनी से नफरत करना सही है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।